हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं लैप जॉइंट, कैसे बनता है उसके बारे में बताऊंगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जहाँ भी बनाएं तो वहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है अपने कोने पर जहाँ पर भी स्टार्ट करते हैं आप। तो यहाँ आपको लिखना है जो भी डेट आपका, तो यहाँ लिखेंगे स्टार्टिंग, तो डेट ऑफ स्टार्ट यानी जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हैं वो आप यहाँ पर डेट मेंशन करें, ठीक है। जो भी आपका डेट हो यहाँ पे, दिन, यहाँ महीना, यहाँ ईयर, ठीक है। और इस साइड लिखना है आपको जिस दिन आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे लिख दें आप डेट ऑफ क्लोज, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको एम। एम लिखने के बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपका एम है बनाने का, जैसे मैंने आपको बताया कि लैब जॉइंट बनाने वाले हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे हम टू मेक ए लैब ज्वाइंट। दोस्तों आप साफ साफ लिखें, मुझे तो कंप्लीट करना है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आपका डाटा भी ख़त्म होगा, मेरा डाटा ख़त्म होगा अपलोड करते समय, ठीक है। तो दोस्तों आप जो है कि आप बढ़िया से लिखें आराम आराम से, ठीक है। तो मैं स्पीड में लिख रहा हूँ, टू मेक ए लैब ज्वाइंट यूजिंग द गिवन MS पीसीज बाय आर्क वेल्डिंग, ठीक है दोस्तों। यहाँ मैंने आर्क वेल्डिंग क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों हम स्टार्टिंग जब से करते हैं तो हम आर्क वेल्डिंग से स्टार्ट करते हैं, कहीं भी ITI में हो, SCITS में या फिर अदर जगह, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप ये लिख दें एम अपना, टू मेक ए लैब जॉइंट यूजिंग द गिवन MS PCs बाय आर्क वेल्डिंग, ठीक है। डेट ऑफ स्टार्ट, डेट ऑफ क्लोज लिखने के बाद आप चलते हैं हम जो भी बनाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि अपने पेज से हाफ से नीचे आएंगे, क्योंकि लैब जॉइंट दोस्तों एक के ऊपर एक प्लेट बनती है। तो दोस्तों आपको जो थोड़ा नीचे आना है, हाफ पेज से नीचे आएंगे आप, ठीक है। तो नीचे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको कुछ चीज़ें जरूरत पड़ेगी बनाने के लिए, जैसे कि आपको दोस्तों पेंसिल चाहिए, आपको एक डी चाहिए होगा, और एक आपको इरेजर चाहिए चाहे कैसा भी हो आपका, और एक आपको स्केल चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके पास चार चीज़ें होनी चाहिए अगर आपको बनाना है क्या लैब जॉइंट, तो ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। दोस्तों इसके अलावा आप इसको डिवाइडर यानी प्रकार से बना सकते हैं, और दोस्तों इसको आप सेट स्क्वेयर से बना सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज हम बनाएंगे सिंपल चीज़ें दोस्तों, जो ITI में बन जाएगी और CITS में भी आप स्टूडेंट के पास ये जरूर होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, आपको आ रहा है अपने हाफ पेज से नीचे। हाफ पेज से नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा एक डॉट लगाना है, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने फ़ोन की स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया। डॉट लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इस डी को रखना है आपको, इस जो पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है इसका पॉइंट, इस वाले इस पे रखना है आपको ऐसे, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट रखने के बाद आपको जो है इस वाली लाइन को आप देख ले कि ये टेढ़ा ना हो, ठीक है। टेढ़ा होगा तो इसको आप सीधा, मतलब तो सीधी लाइन में रखें इसको, और यहाँ पे आपको 30 डिग्री पे पॉइंट लेना है, और इस साइड भी आपको 30 डिग्री पे एक पॉइंट ले लेना है, ठीक है दोस्तों। लेने के बाद दोस्तों आपके पास जो है तीन डॉट जो आपके पास तैयार हो जाएगी, एक, दो और तीन। अब दोस्तों डी को है आप थोड़ा साइड में रख देंगे। रखने के बाद दोस्तों आपको स्केल लेना है। स्केल लेने के बाद आपको इस साइड जो है 5 सेंटीमीटर जो है लाइन आपको ड्रॉ करनी है इस वाले डॉट के हिसाब से, ठीक है। तो ये डॉट था हमारा, और यहाँ से आप 5 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और इस साइड भी आपको 5 सेंटीमीटर एक लाइन, तो सॉरी दोस्तों इसे 10 करना है आपको, इधर 5 इधर 10, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका ये हो गया 10, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको क्या करना है, 10 mm जो है 90 डिग्री इसको नीचे लेना है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप इसको 90 डिग्री पे इसको रखें स्केल को, यानी सीधा बिल्कुल, और यहाँ से आपको 10 mm, और यहाँ से भी आपको 10 mm लेना है, और इस साइड से आपको 10 mm जो है नीचे लेना है, बिल्कुल सीधी एकदम दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपने ऐसा कर लिया होगा। उसके बाद दोस्तों आपको इनको क्या करना है, मिला देना है, ठीक है, सारे पॉइंटों को आपको मिला देना है, ठीक है दोस्तों। बहुत इजी तरीका है ये बनाने का, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा बन गया आपका। ऐसा बनने के बाद दोस्तों आपको दोबारा से डी लेना है। डी लेने के बाद आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाले से आप ले, ठीक है, नीचे वाले से ऐसे दोस्तों आप ले, और इस साइड आपको 30 डिग्री लेना है, यहाँ से आपको 30 डिग्री पे एक डॉट लगा देना है, ठीक है। लगाने के बाद आपको इसको फिर से स्केल लेना है, आपको इस साइड आपको 5 सेंटीमीटर फिर से ड्रॉ कर देना है, ठीक है, क्योंकि हम 5x10 का बनाने वाले हैं, ठीक दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ तक आपका एक लाइन और ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों आपको इन दोनों को है आपस में मिला देना है, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तो आपका ये जो है प्लेट जो है तैयार हो गया है, ठीक है देख सकते हैं आप। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि हमें दोस्तों लैप जॉइंट बनाना है। लैप जॉइंट बनाने के लिए आपको इसका 5 जो है, 5 किया था आपने, इसको आपको हाफ करना है, इसका 2.5 हो जाएगा, और इसका भी आपको हाफ कर देना है। ये भी आपका क्या कितना हो जाएगा, ये आपका 2.5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये भी मैंने 2.5 कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों इसको क्या करना है, आपको 90 डिग्री पे इसको 10 mm जो है ऊपर उठाना है यहाँ तक, ठीक है। ये भी मैंने ऊपर उठा दिया, और इसको भी आपको ऊपर जो है उठा देना है, बिल्कुल सीधा रखें 90 डिग्री पे, ठीक दोस्तों। और इसके बाद आपको ये 2.5 लिया था आपने, तो इसको 2.5 को आप 5 करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं 2.5 है, इसको मैंने 5 कर रहा हूँ पूरा पूरा, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ हो जाएगी छोटी सी, यहाँ से यहाँ तक 5 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया, और इधर भी आपको क्या करना है, इसके सहारे से आपको, ठीक है, तो ये भी यहाँ तक एक 5 जो है लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो लैप जॉइंट होता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ा होता है, ठीक है। तो आपको आपको क्या करना है कि इन दोनों लाइन को आपस में मिला दे, ताकि हमारी प्लेट जैसी आकृति जो है दिखाई देने लग जाए, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो आपने लिया था, इनको भी आप चाहें तो मिला सकते हैं, हम अभी नहीं मिलाएंगे क्योंकि दोस्तों हमें फिर मिटाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको जो है, इस वाले पॉइंट को 90 डिग्री ऐसे ऊपर उठा दें, ठीक है। और इसको भी आप, इस लाइन को है 90 डिग्री, आप इसको भी ऊपर उठा दें, ठीक है। 10 mm उठाएंगे, ज़्यादा नहीं। उसके बाद दोस्तों आपको जो है ये वाले मिला देने हैं, ठीक है। ये दोस्तों एक इधर और एक इधर आपका ये बन जाएगा, ठीक है। और इस वाले को भी आप मिला दें, और इस वाले को भी आप, मिला दीजिए, ठीक दोस्तों। तो आपका कुछ ऐसा बन के तैयार है। अगर हम ये लाइन लगाते हैं तो बिल्कुल आपको अलग सा एक प्लेट दिखाई देगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमें लाइन मिटानी पड़ सकती है, तो इसलिए मैं इसको धीरे हल्का ही लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा आपका दिखेगा। अब दोस्तों आपको लैप जॉइंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो है लाइन, बस हमें इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों ये वाली हम मिटा देंगे, अंदर वाली, जितना भी अंदर वाला है सिस्टम सारा मिटा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए मैं मिटा रहा हूँ, आप भी मिटा दें, ओके दोस्तों। तो आपको दिखने लग गया होगा ये लैप जॉइंट। तो दोस्तों जो हमारी लाइन मिट गई है उसको भी थोड़ा डार्क कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ये वाली थोड़ी सी फीकी हो गई थी, मिटी तो नहीं थी, फीकी हो गई थी। इसको मैं, ये दोस्तों ऐसे छुप जाएगा, ऐसे इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, फिर मैं इसको कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा दिखे हमें। और ये लाइन जो है, ये लाइन आपकी बहुत ज़रूरी है, तो इसको भी आप थोड़ा डार्क कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये वाली लाइन थोड़ा आपको डार्क कर लेना है, ठीक दोस्तों। तो ये आपका लैप जॉइंट तैयार हो गया। अब लैप जॉइंट तैयार है दोस्तों हमारा, अब हमें इस पे क्या करना है, वेल्डिंग बीड लगानी है। तो वेल्डिंग बीड कैसे लगेगी ये देखिए आप, ठीक है। तो दोस्तों आपको अपने स्केल से, आपको ज्यादा नहीं दोस्तों, यहां से आपको 5 mm लेना है यहां तक, ठीक है। और दोस्तों यहाँ भी आपको क्या करना है, 5 mm ही लेना है, नहीं तो आपको ज़्यादा मोटा लेंगे दोस्तों हमारा बहुत ही बेकार दिखाई देगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 5 mm ले रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट हम इससे ऐसे मिला देंगे, और ये वाला पॉइंट भी हम इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। मिलाने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। और हम इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको पता होगा क्या करने वाले हैं, वेल्डिंग बीड लगाएंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे इसमें सीक्वेंस ऑफ जॉब कि कैसे हमने तैयार किया।
ये लाइन मिटा दे बीच वाला जो हमने डार्क किया था, इसे जरूरत नहीं थी दोस्तों, मैंने इसको कर दिया फिर भी कोई बात नहीं, तो इसको हम दोबारा से कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका तैयार हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, वेल्डिंग बीड लगानी है, तो जल्दी जल्दी वेल्डिंग बीड लगा दीजिए। ठीक दोस्तों, तो आपका ये जो है लैप जॉइंट जो है तैयार हो चुका है। लैप जॉइंट तैयार होने दोस्तों, कोई काम खत्म नहीं हुआ हमारा, लैप जॉइंट तैयार हो गया दोस्तों। इसके बाद हमें डायमेंशनिंग देनी है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया है कि यहाँ से आप जो है 5 mm छोड़ के एक लाइन ऐसे 10 mm की ऐसे ड्रॉ कर दें, और यहाँ आपको 5 mm छोड़ के 10 mm की लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, और इस साइड भी आपको क्या करना है, ऊपर से 5 mm छोड़ के यहाँ पर एक लाइन 10 mm की ड्रॉ करनी है, और इनको जो है आपस में ऐसे मिलाना है। ठीक है, इनके सेंटर से सेंटर मिलाएं। ठीक है, ठीक दोस्तों, और इधर भी आपको मिलाना है। तो दोस्तों ये आपका तैयार हो गया। अब दोस्तों आपको ये वाला भी दे देना है, ये जो छोटा सा हमारा, इधर भी दे देंगे हम डायमेंशन। ठीक है, तो ये हम यहाँ से लेते हैं इसको 5 mm का गैप यहाँ तक, और इसे भी हम लेते हैं 5 mm का गैप यहाँ तक। और दोस्तों आपको एक लाइन लगानी है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको तीर का निशान बना देना है यहाँ पे, और इधर भी आपका तीर का निशान बना देना है। और इधर भी आपको तीर का निशान बना देना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे आपको देना है 100, और यहाँ पे देना है आपको 50, और यहाँ पे देना है आपको 10। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपका इतना होने के बाद आपको एक नोट लिखना है। नोट में क्या लिखना है आपको, नोट में ज़रूरी चीज़ लिखनी होती है यहाँ पे, यहाँ लिख दिए नोट। दोस्तों आपको जितने भी डाइग्राम बनाएंगे यहाँ पर लिखना ज़रूरी है कि जो हमारा ऑल डायमेंशन जो हमारा किस में है, ऑल डायमेंशन इन mm। ठीक दोस्तों, ये आप जरूर लाइन लिखें। और दोस्तों आपको लिखना है क्या, सीक्वेंस ऑफ जॉब की कैसे आपने जो है जॉब तैयार करी है। तो दोस्तों ये भी आपको लिखना जो है ज़रूरी हो जाता है। तो हम लिखते हैं इसमें सीक्वेंस ऑफ जॉब की कैसे हमने जॉब जो है तैयार करी है इसका, लैप जॉइंट का। तो लिखते हैं हम यहाँ पर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी लिख लीजिए पेज के नीचे बिल्कुल। तो सीक्वेंस ऑफ जॉब, सीक्वेंस SEQU सीक्वेंस, शायद स्पेलिंग गलत दोस्तों, आप देख लेना सीक्वेंस ऑफ जॉब। ठीक है, तो क्या 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 हमने सीक्वेंस ऑफ जॉब में, फर्स्ट हमने मार्किंग करी है। मार्किंग बाद क्या करेंगे दोस्तों हम, कटिंग। मार्किंग बाद हमने कटिंग करी। थर्ड क्या करेंगे, मार्किंग बाद कटिंग हो गई, कटिंग के बाद करेंगे हम उस पर फाइलिंग करेंगे। फाइलिंग के बाद क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप, फाइलिंग के बाद करें उसको ले जाएंगे प्लेस ऑफ द वेल्डिंग टेबल। तो प्लेस ऑफ द वेल्डिंग टेबल। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपको क्या करना है, चार पॉइंट हो गए, पांचवा पॉइंट लिखना है आपको कि आपने यहाँ से बीड लगाई, तो यहाँ लिख दीजिएगा मेक ए लैप जॉइंट। लैप जॉइंट जो भी वेल्डिंग है आपकी, मैके लैप जॉइंट बाय आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप मैके लैप जॉइंट। यहाँ मैं डस्ट छोड़ रहा हूँ। आपको छठा पॉइंट लिखना है, क्या करेंगे इसके बाद, रिम्यूव स्लैग। ठीक है, ऑन चिपिंग हैमर, जो आपका स्लैग है उसको रिमूव करना है चिपिंग हैमर से।
और सातवां पॉइंट क्या करना है, कंप्लीट कंप्लीट द जॉब। दोस्तों इस तरह से आपका जो है जॉब कंप्लीट होता है। दोस्तों अभी हमारा थोड़ा सा और काम रह गया, इसमें हमें बताना पड़ेगा कि प्लीज़ कौन सा है। तो हमें ये वन प्लेट और ये टू प्लेट, और दोस्तों ये आपका वेल्डिंग बीड है, तो दोस्तों आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप ऐसे करके यहाँ से, जैसे मैं बना रहा हूँ ये आपका, और यहाँ से ये, ठीक है। तो ऐसे बना दीजिए आप ये, और ये आपका क्या है, ये हमारा वर्क पीस है, ठीक है दोस्तों। वर्क पीसीज यानी टू प्लेट्स है हमारी, वन प्लेट टू प्लेट। अब दोस्तों ये है क्या है आपका, ये है आपका, यहाँ से आप ले जाइए, और इधर ले जाइए ऐसे, यहाँ लिख दीजिए आप, ये क्या है आपका वेल्डिंग बीड, वेल्डिंग बीड, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका लैब जॉइंट बिल्कुल बनके तैयार है। दोस्तों आप भी ऐसा बनाएं, अगर आप ऐसा बनाते हैं तो आपके जो नंबर है बहुत अच्छे आएंगे। और दोस्तों यहाँ इसके साइड में जो प्रैक्टिकल होता है उसका लिखना भी होता है। दोस्तों अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको लिखना भी सिखा दूंगा कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आपको, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को सिंपल सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।